दोस्तों आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं, थ्योरी इसका देखेंगे, पूरा थ्योरी हम लोग ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाए। सो एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा आज पूरी अच्छी थ्योरी, सो दैट आपके सभी क्वेश्चन इससे बन जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो लेट अस स्टार्ट, डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ कॉम्प्लेक्स नंबर मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एंड मे बी डिनोटेड बाय द सिंबल एक्स एंड वाई। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, और डिनोट किससे? सिंबल से करते हैं, जेड से, राइट। द ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, बट आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इस एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें, एक्स और वाई को क्या है? रियल नंबर्स है ना, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ व्हाट? एक्स। एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड। उसी तरह से वाई को क्या बोलेंगे दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, राइट। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये चीज हो सकती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। सो नंबर्स कैन बी व्हाट? एक तो प्योरली एक नंबर हो सकता है प्योरली रियल, राइट, प्योरली रियल। दूसरा नंबर क्या होता है? प्योरली प्योरली इमेजिनरी, है ना। और तीसरा नंबर होगा कॉम्प्लेक्स 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 क्या होगा? रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होगा। एज वी कैन सी कि इस ये टर्म ही थोड़ा ये रियल और इमेजिनरी को अगर मिला दें हम तो ये खुद में कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। सो वी कैन से इट, बस आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, है ना। सो नाउ अब आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट वी विल सी द आयोटा। व्हाट इज आयोटा? सो आई इज इक्वल टू व्हाट? इन कॉम्प्लेक्स नंबर आई को हम लोग डिनोट करते हैं रूट ओवर माइनस वन से, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा, ये ध्यान में रखें इसको, है ना। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर करें तो माइनस वन। आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई क्यूब हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये माइनस वन और ये आई, मतलब माइनस आई। उसी तरह से आई फोर हो जाएगा क्या आपका? आई फोर क्या हो जाएगा? आई फोर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज़ माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज़ प्लस वन, है ना। ये आयोटा के कुछ थे। आयोटा में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जैसे कि हम लोग देखते चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल इन आयोटा, राइट। सो क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 26, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 26? सो हाउ वी विल फाइंड इट? कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक ये तरीका है बस कि हम लोग इसके जो भी पावर में है उसको डिवाइड करेंगे कितना? 6 से, है ना, सॉरी 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आई का पावर लिख देंगे यहाँ पे। आई का पावर क्या होगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का पावर? अगर आई का पावर हम लोग लिखें, आई का पावर 26 बाई 4 करेंगे तो 4 6 24 और दो बार में ये सॉरी दो बचेगा, है ना, आई का पावर स्क्वायर। और आई का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, आई टू द पावर 2 क्या होता है? आई टू द पावर 2 होता है माइनस वन। सो दिस इज़ द वैल्यू। सो आई का कुछ भी पावर रहे हमारे पास, आई का कुछ भी पावर रहे, द पॉसिबल यू कैन नोट इट डाउन, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई टू द पावर एन, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई टू द पावर एन इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू आइदर माइनस वन, राइट, सॉरी एक तो आई ही हो जाएगा रूट ओवर माइनस वन, सॉरी जो कि जिसको हम लोग बोले आइदर रूट ओवर माइनस वन, माइनस वन, माइनस आई, और क्या हो सकता है? वन। ये चार ही वैल्यू हो सकता है पॉसिबल आई का, कोई भी क्वेश्चन रहे। सो अगर जनरल फार्मूला
फार्मूला डेवलप करें अगर हम लोग टू फाइंड आई टू द पावर एन, तो क्या करेंगे, आई टू द पावर एन को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे एंड आई टू द पावर आर विल बी द व्हाट आंसर, राइट। सो वेयर आर इज व्हाट, रिमाइंडर। रिमाइंडर किसका, ये जो आपका यहाँ पे एन को डिवाइड, 4 से एन को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। पहला ऑपरेशन देखते हैं हम लोग, चेक करेंगे कि इक्वलिटी क्या होती है, राइट। फर्स्ट वन इज व्हाट, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2, है ना। ये दो नंबर कब इक्वल होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा, यही हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो, सॉरी इस वाले ऑपरेशंस में, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो कब होगी ये कैसे चेक करेंगे, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल पार्ट्स सेपरेटली आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली आर इक्वल्स। मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसके रियल्स पार्ट आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या है, इफ z1 इक्वल टू z2, ये तभी होगा जब then if z1 इक्वल टू z2 then x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2 दिस एंड ऑल्सो वाइस वर्सा इज ट्रू, है ना। ऑल्सो वाइस वर्सा इज ट्रू, मतलब ये अगर बराबर होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब रियल पार्ट बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएंगे। इसको सिंपली और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल वेन देयर रियल पार्ट्स and imaginary parts are separately equal, right। ये क्या है आपका मूल मंत्र है, है ना। ये लाइन को याद करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होगा जब दोनों के रियल पार्ट्स बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होंगे सेपरेटली। अब देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन, है ना, दैट इज addition of two complex number। अच्छा यहाँ पर two नहीं, आप लोग कितना भी complex number ले लें, the same formula that I am going to tell you will be applicable for all number of complex numbers, right। So suppose हम लोग देखेंगे दो ही complex number, z1 है एक what x1 plus iy1 and z2 is what x2 plus iy2, दोनों को add करने है ना। सो a फॉर एडिशन इक्वल टू व्हाट, z1 प्लस z2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 प्लस iy1, ये z1 को लिख दिए, प्लस x2 प्लस iy2, है ना, x2 प्लस iy2। अब इसमें भी क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 को रियल पार्ट ऑफ z2 से ऐड करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, यहाँ ब्रैकेट रखिए, प्लस आयोटा को बाहर निकालिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 को ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 से। ये हो गया क्या आपका z एडिशन समेशन। उसी तरह से अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 माइनस z2, हाँ z1 माइनस z2। अच्छा यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, आप z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 करें, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको आंसर क्या आएगा सेम आएगा। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन z1 माइनस z2, ये ऑब्वियसली आप सभी समझ सकते हैं इसको, है ना। सो z1 माइनस z2 क्या होगा, x1
प्लस आई वाई वन माइनस एक्स टू प्लस आई वाई टू, ऐसा है ना। अभी सिमिलरली करना है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रियल पार्ट्स का सेपरेटली करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट्स का सेपरेटली। सो एक्स वन माइनस एक्स टू होगा यहाँ पे, है ना, और प्लस अगर आयोटा कॉमन निकाल ले तो ये क्या होगा, वाई वन माइनस वाई टू, दिस इज वॉट जेड सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन था हमारा। नाउ फर्दर मूविंग ऑन वी विल सी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे देखें हम लोग, फर्स्ट सो जेड एम कैन बी रिटन एज जेड वन इंटू जेड टू। जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू, राइट। एक्स वन प्लस सॉरी ये जेड वन इंटू जेड टू है। अब मल्टीप्लाई करना है इसको सिंपली दैट फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मेट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो टू वेरिएबल इक्वेशंस को हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज सिंपली जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे, ये एक बार इससे, ये इससे और ये इससे, है ना, इस तरह का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो लेट अस परफॉर्म। सो ZM इज इक्वल टू वन एक्स, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई टाइम्स एक्स वन वाई टू हो जाएगा, फिर प्लस ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके खुद से भी, तो ये हो जाएगा आपका आई टाइम्स वाई वन एक्स टू, और जब आई वाई वन और जब ये फिर से मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, है ना, आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, राइट, आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, ये हो गया। ना इसको सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट को सबको एक तरफ और एक इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। सो एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू रियल पार्ट है। अब ना इसमें सर्च करते हैं रियल पार्ट और कौन सा है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये भी रियल पार्ट बन जाएगा फिर से। सो माइनस इंटू वाई वन वाई टू, ये हो गया रियल पार्ट। नाउ इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट जितने भी आएंगे आई कॉमन रहेंगे उसमें, आई डेफिनेटली रहेगा, सो आई को कॉमन ले लिए हम लोग, और ये वाला टर्म बचा एक्स वन वाई टू प्लस यहाँ से क्या बचा वाई वन एक्स टू, है ना। सो दिस वन इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट, दिस वन इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यू कैन रिमेंबर इट और यू कैन जस्ट गो फर्दर विद द डेरिवेशन, लाइक इफ प्रॉब्लम इज गिवन, अगर प्रॉब्लम दिया रहे तो डेरिवेशन से ही मूव करिए, फटाफट आपको तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा। नाउ एक लास्ट ऑपरेशन बचती है हमारे पास, वो कौन सा है, डिविजन का, है ना, एक लास्ट ऑपरेशन बचती है, कौन सा, वो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, जेड डी इज इक्वल टू व्हाट, जेड वन बाई जेड टू, यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करेगा, जेड टू बाई जेड वन करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, जेड वन बाई जेड टू दूसरा आंसर देगा, है ना। सो यहाँ पे ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें। सो जेड वन इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वन प्लस आई वाई वन एंड नाउ एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आती है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या करते हैं, सिंपली इस जहाँ भी p बाई क्यू के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, वहाँ नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं फॉर फर्दर सॉल्यूशन के लिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स टू प्लस आई वाई टू, इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो नीचे में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे उस कॉन्जुगेट फॉर्म से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होती है मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स टू, बीच में बस साइन जो होता है इमेजिनरी पार्ट का उसका चेंज करते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तब वो जाके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक्स माइनस आई वाई टू विल बी द कॉन्जुगेट। और यहाँ पे फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेम थिंग से, एक्स टू माइनस आई वाई टू, ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है। नाउ क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट है। सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, है ना। सो इसको भी वैसे ही करेंगे। सो यहाँ पे अगर इक्वल टू करें तो एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू माइनस आई वाई टू होगा। अभी ये मल्टीप्लीकेशन अभी हम लोगों ने देखा है क्या रिजल्ट आता है, वो डायरेक्टली रिजल्ट लिख देंगे हम यहाँ पे। और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स टू स्क्वायर माइनस आई वाई टू का होल स्क्वायर, राइट, दिस वन इज बी टोटली। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ से लिखें डायरेक्टली तो क्या होगा, एक्स एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। ओके 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 ओके, लेट मी टेल यू, हेयर इज द साइन इज वॉट, राइट, माइनस, देर वॉज प्लस, सो देर इज समथिंग, देर विल बी समथिंग चेंज, राइट। सो एक्स वन एक्स टू तो यहाँ आएगा और दूसरा रियल टर्म क्या आएगा, वाई वन वाई टू आएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी यहाँ से है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब दूसरा टर्म देखते हैं हम लोग क्या है, प्लस यहाँ से आई अगर कॉमन निकाल लें तो एक बार इसके साथ जो आएगा टर्म y1 x2 और यहाँ से माइनस वाला टर्म आएगा, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2, राइट। और नीचे में क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर, ये माइनस इस आई स्क्वायर के माइनस, आई स्क्वायर का जो माइनस वन होगा उसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा और y2 स्क्वायर। सो फाइनली रिजल्ट विल बी व्हाट, इसको क्या करते हैं सेपरेटली, इसके साथ एक बार डिवाइड करते हैं, इसके साथ एक बार डिवाइड करते हैं। सो x1 x2 प्लस वाई वन वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, हाँ, ये टोटल रियल पार्ट बचा, ये टोटल हमारा रियल पार्ट बचा, प्लस प्लस आयोटा टर्म्स, व्हाट इज वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू, माइनस एक्स वन वाई टू बाय दिस वन एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, है ना। सो दिस इज द व्हाट रिजल्ट ऑफ डिवीजन, ये क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ डिवीजन। सो अभी तक हम लोग इतने सारे देख लिए हैं, सारे ऑपरेशंस देख लिए हैं, अब क्या देखेंगे हम लोग, एक एक प्रॉब्लम देखेंगे सभी ऑपरेशंस में, है ना, फटाफट एक एक प्रॉब्लम देख लेंगे फिर हम लोग फर्दर आगे मूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, दैट इज चेकिंग द इक्वलिटी, राइट। सो एग्जाम्पल इज वॉट, चेक द टू कॉम्प्लेक्स number whether they are equal or not, right. So z1 is equal to 3 plus 9i and z2 is equal to 4 minus 2i, right. So we can see it from here that Z1's real part of Z1, real part of Z1 is not equal to real part of Z2, right? Suppose this one changes, I will change it as a 9. So real part of Z1 is not equal to real part of Z2, but imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. But this is not the sufficient condition for the for the two complex number to be equal. दोनों को क्या होगा, satisfy करना होगा, ये बराबर जो real part of the two complex number को भी बराबर होना होगा और imaginary part of the two complex number को भी बराबर होना होगा, right? But यहाँ पे ऐसा condition नहीं है. So z1 not equal to z2. अच्छा, दूसरा example लेते हैं, find the value of a for the two complex numbers to be equal, right. So first z1 is equal to what, a plus
जेड वन इज इक्वल टू वट ए प्लस थ्री एन प्लस नाइन आई एंड जेड टू इज वट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सपोज दिस इज द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ए एंड बी जेड टू इज वट थ्री ए प्लस नाइन प्लस बी आई राइट सो फॉर इक्वलिटी रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन सो क्या होगा ए प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री ए राइट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए इधर ले जाएंगे तो टू ए इज इक्वल टू वट थ्री ए इक्वल टू वट थ्री बाई टू ए इज इक्वल टू वट थ्री बाई टू है ना ए इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री बाई टू नाउ फर्दर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू होगा ये भी कंडीशन होना है नाउ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन क्या है नाइन इक्वल टू नाइन प्लस बी सो नाइन नाइन कैंसल बी इक्वल टू वॉट जीरो राइट सो बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू थ्री बाई टू दिस इज द आंसर फॉर टू नंबर्स टू बी इक्वल नाउ एडिशन यू कैन ऑल परफॉर्म एडिशन बट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एडिशन सो जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई एंड जेड टू इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री आई सो वी हैव टू परफॉर्म जेड ए इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू सो द रियल पार्ट्स आर थ्री एंड नाइन राइट सो नौ तीन दस ग्यारह बारह राइट बारह और यहाँ पे प्लस आई लेंगे एंड द इमेजनरी पार्ट आई को कॉमन लेके इमेजनरी पार्ट इज वॉट टू एंड हेयर प्लस माइनस ऑफ थ्री राइट सो दिस आई वॉज टेलिंग दैट सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विथ अ नेगेटिव साइन राइट सो सेम है ना फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस आई और टू और माइनस दैट इज माइनस वन है ना तो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ गया जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस आई राइट उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे z1 z2 इज इक्वल टू वॉट वेन z1 इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई एंड z2 इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर आई राइट सो z1 z2 इज इक्वल टू वॉट थ्री प्लस फोर आई इंटू थ्री माइनस फोर आई दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने सेम फार्मूला यूज़ किया था डेरिवेशन के बाद जो आया था डिवीजन वाले डेरिवेशन में सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज सेम एज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो थ्री स्क्वायर इस यहाँ पे तो हम लोगों को करने की भी ज़रूरत नहीं है थ्री स्क्वायर माइनस फोर आई टू द पावर टू राइट अभी यहाँ पे क्या हो गया नाइन प्लस चार चौक सोलह दैट इज पच्चीस है ना सो जेड वन जेड टू इज इक्वल टू वॉट पच्चीस नाउ एक बजती है डिवीजन का एग्जाम्पल है ना एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन सो फाइंड जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू वॉट इफ जेड वन इक्वल टू थ्री माइनस फोर आई एंड जेड टू इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई राइट सो जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू वॉट जेड वन बाई जेड टू इज इक्वल टू वॉट थ्री माइनस फोर आई बाई थ्री प्लस टू आई करेंगे हम लोग है ना अब नीचे वाले को हम लोग मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट में रेशनलाइज करना है सो रेशनलाइज कैसे करते हैं नीचे वाले के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सो थ्री माइनस फोर आई और ऊपर नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जस्ट साइन इमेजनरी पार्ट का चेंज कर देते हैं थ्री माइनस टू आई है ना और नीचे में थ्री प्लस टू आई डिवाइड बाई थ्री माइनस टू आई राइट नाउ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन तीन नौ और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेकिन एक आई आई स्क्वायर होकर फिर से माइनस वन हो जाएगा चार दूनी आठ प्लस आई को कॉमन लेते हैं अगर तो दिस वन इज जाती है बारह माइनस बारह और यहाँ से माइनस तीन दूनी छः राइट बाय तीन तीन नौ प्लस दो दूनी चार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो इट विल बी प्लस ऑलवेज सो वन यहाँ पे आएगा नौ माइनस आठ नौ नौ बारह छः अठारह दैट इज माइनस एटीन आई
राइट बाय 9 4 13, सो फाइनल आंसर इज Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 18 I बाय 13, सो फाइनली 1 बाय 13 माइनस 18 बाय 13 I, दिस इज द Z1 बाय Z2, राइट, दिस इज ए प्लस दिस इज बी आई आर इन द फॉर्मेट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, राइट। So these are the four different operation we have done yet. Now हम लोग क्या देखेंगे, अब थोड़ा representation of complex number देख लेते हैं ना। So next topic is what, representation of complex number, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली, रियल नंबर को जो रेशनल नंबर को, रियल नंबर को रियल नंबर लाइन में जैसे हम लोग डिनोट करते हैं, राइट, दैट इज 3 1 4 एनीथिंग, दिस इज इफ दिस इज अ रियल नंबर लाइन, सो रियल नंबर को यहाँ पे कहीं पे भी डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करने के लिए एक समथिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको देखते हैं कैसे। सो सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप का नंबर है, एक इमेजनरी नंबर और एक रियल नंबर, सो वी नीड अ प्लेन जिसमें कि एक्स वाई, जैसा कि एक्स वाई प्लेन हम लोग पढ़ते थे क्योंकि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता था, वाई कोऑर्डिनेट होता था। सो यहाँ पे we need real two type of axis and वो दोनों मिला के क्या करेंगे, plane बनाएंगे। so this one is real axis और ये imaginary axis है ना, imaginary axis और real axis। so real axis, so मान लो represent करना है हमें x plus i y है ना, x and y both are real number but this is a real part and this is a imaginary part, so इसको हम लोग real number line में represent करेंगे, इसको imaginary number line में। so यहाँ पे real number suppose करो यहाँ से यहाँ तक x है, है? और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y, right, so this one will be what, z equal to x comma y, right, x comma y, now this is what, अ ट्रायंगल फॉर्मिंग, दिस वन इज नोन एज थीटा, इसको हम लोग आर बोलेंगे, ये वाई है, ये एक्स है ना, ये वाई है एक्स है। अच्छा मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात की, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं कैसे, जेड के ऊपर बार लगा के, है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तो आपको बस क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूँ अच्छे से थ्योरी समझा के, जितनी अच्छी थ्योरी रहेगी आपकी उतने अच्छे से आप क्वेश्चन बना सकते हो। सो एक्स माइनस, बट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, राइट, सो दिस वन है, तो जेड में क्या हो रहा है कि एक्स तो वही है नंबर लाइन में बट वाई किधर आ जा रहा है, नेगेटिव साइड, ये वाला माइनस आई है ना, सो ये क्या हो गया, माइनस सॉरी जेड बार है ना, एंड दिस इज एक्स कॉमा माइनस वाई, राइट, एंड दिस वन इज हेयर माइनस थीटा, दिस वन इज हेयर माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम लोग लेते हैं ऐसे, सॉरी आर्ग्यूमेंट को हम लोग जैसे थीटा को हमेशा मेजर करते हैं, आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं बताऊंगा आपको, थीटा को हमेशा मेजर करते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और यहाँ अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा आ रहा है दैट मीन्स कि इसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट, सो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जेड का रिप्रेजेंटेशन है ना। आर क्या बताता है, इसका मॉडुलस बताता है, मतलब यहाँ से ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताता है, ये भी आर ही होगा, राइट। सो नाउ वी विल सी द फर्स्ट थिंग दैट इज मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट है ना। सो नाउ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है वो हम लोग देखते हैं, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है वो देखते हैं ना। सो मॉडुलस को क्या बोलते हैं, आर इज द मॉडुलस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट कोऑर्डिनेट टू दैट कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। सो और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, जेड से।
अच्छा ये क्या होता है वो हम लोग फाइंड करने वाले हैं। सपोज यहाँ से देखिए कि x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं r के टर्म में, यहाँ पे मॉड z इक्वल टू क्या है r, यही फाइंड करनी है हमें, है ना। x इक्वल टू r के टर्म में क्या लिख सकते हैं r cos थीटा, एंड y को क्या लिख सकते हैं r sin थीटा। नाउ व्हाट वी विल डू कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड दिस इज इक्वल टू वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट आर स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर आर कैन बी रिटन एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो दिस इज वॉट, दिस इज इक्वल टू मॉड जेड, यही मॉडुलस है मेरा, है ना। ये क्या है, यही मॉडुलस है ना, दिस वन इज द मॉडुलस, ये मॉडुलस है मेरा, है कि नहीं। सो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकला, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकला हमारा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकला, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एंड दिस इज इक्वल टू अगेन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, ये दैट इज जेड बार, ये हमेशा के लिए सही है। सो अगर हम लोग अगेन लिखना चाहें ऐसे, जेड बार इज इक्वल टू जेड इक्वल टू वट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये हो गया क्या मॉडुलस। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, नो प्रॉब्लम। तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा कैन बी चलो ऐसे लिख रखता हूँ मैं इसको, है ना। थीटा कैन बी क्या हो सकता है, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। सो यही क्या है, आर्ग्यूमेंट, है ना। यही अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो आर्ग्यूमेंट जेड बार जो हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन के केस में, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, दैट इज माइनस ऑफ टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। और यू कैन टेक इट प्लस हेयर, बट यू शुड टेक द साइन हेयर, राइट। वट एवर द साइन ऑफ द रियल नंबर्स देयर, इधर इट इज़ अ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यू शुड टेक द साइन ऑफ दैट। दैट इज अगर y माइनस में है, y नेगेटिव में है, तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा एक और चीज़, इस वाले डायग्राम को हम लोग बोलते हैं आर्गंट प्लेन, ये प्लेन को बोलते हैं आर्गंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ समवन आस्क। और ये डायग्राम को क्या बोलते हैं, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं, दिस डायग्राम इज नोन एज आर्गन डायग्राम, राइट। आर्गन डायग्राम, राइट, दिस डायग्राम इज नोन एज आर्गन डायग्राम। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड वी विल सी व्हाट इज या फर्स्ट लेट अस सी द थिंग दैट इज इंटरेस्टेड, दैट इज the first thing that I have told you, the representation of complex number was z equal to x plus iy. This is the representation in rectangular form, right? Rectangular form. Now we will see the polar form of the the polar form of the complex number, right? So the next topic is the polar form of the complex number, right?
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या हो गया, सपोज करो इसी एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, है ना, कौन से, ये आर्गन डायग्राम वाले एग्जांपल से, कहाँ गई, आर्गन डायग्राम वाले एग्जांपल से। सपोज करो ये आर क्या है, हमारा मॉडुलस है, है ना, आर क्या है, मॉडुलस है। अगर जेड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, जेड को कार्टिजन फॉर्म में क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसमें कि एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई को आर साइन थीटा, यही यूज़ करेंगे इस जगह पे हम लोग, है ना। सो एक्स को हम लोग लिखेंगे अगर आर कॉस थीटा प्लस वाई को लिखेंगे आर साइन थीटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नाउ वी विल टेक आर एज अ कॉमन, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बचेगा अंदर, दिस इज जेड, राइट। नाउ वी नो दैट दिस कॉस थीटा प्लस, नाउ वी नो दैट दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, राइट। दिस यू शुड रिमेंबर दिस वन, इसको आप याद कर लें, है ना। क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर आई थीटा। सो अब जेड को कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को, ये पार्ट को, ई टू द पावर आई थीटा, है ना, ई टू द पावर आई थीटा। यही वाला फॉर्म क्या हो गया, ये फॉर्म क्या हो गया, पोलर फॉर्म वेयर आर इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर होल रूट ओवर, राइट। एंड थीटा इज वॉट, एंड थीटा इज वॉट, टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, एंड दिस वाई बाई एक्स इज उसके साइन के साथ लेंगे हम लोग, है ना, वाई का जो भी साइन होगा और एक्स का भी जो भी साइन होगा, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। ये हो गया पोलर फॉर्म। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क इन द एग्जाम, राइट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है डायरेक्टली, और आजकल ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम को काफ़ी स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सो वॉट, कन्वर्टिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म, एंड वाइस वर्सा। सो वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर टू पोलर फॉर्म, राइट। सो फ्रॉम दिस पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म जो भी हम लोग अभी तक पढ़ा है उसी से हम लोग देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल डायरेक्टली, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई। सो व्हाट वी विल डू, पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये तो कार्टिजन फॉर्म है, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स प्लस आई वाई के टर्म में है, है ना। सो हेयर सॉल्यूशन इफ वी डू, सो एक्स फर्स्ट जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा वी हैव टू राइट, एंड आर इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, थ्री स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज व्हाट, फोर स्क्वायर, राइट। सो इट विल गिव एज 9 + 16 इज इक्वल टू 25 पावर रूट, सो इट विल बी 5, राइट, दिस विल बी 5। एंड नाउ फाइंडिंग थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा लेट अस फाइंड हियर थीटा,
सो वी गॉट इट, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. सो थीटा इज इक्वल टू वॉट, टैन इनवर्स ऑफ 4 by y by x, राइट, एंड सो इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4 by 3, टैन इनवर्स ऑफ 4 by 3 इज समथिंग 53 point something degree, राइट, 53 point something degree. सो द फाइनल जेड इन द पोलर फॉर्म इज इक्वल टू वॉट, आर इज इक्वल टू 5 एंड ई टू द पावर आई एंड थीटा इज इक्वल टू वॉट, 53 degree, राइट. दिस इज द कन्वर्जन. नाउ अनदर क्वेश्चन वी हैव दैट कन्वर्ट द पोलर फॉर्म into rectangular form of complex number, right. So z is given as, suppose that 6 e to the power what, suppose karo ki ye i into 37 डिग्री समथिंग, राइट, 37 डिग्री है समथिंग. मैं आपको समझा रहा हूँ बस समझने के लिए. अब यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, और ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा. सपोज़ यहाँ पे 45 डिग्री दी जा सकती है ना, कुछ भी, जो कि टैन इनवर्स डायरेक्टली निकल पाए आपसे. सो यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है, टू फाइंड जेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई. सो एक्स एंड वाई को निकालना है. Here r we have given, right? So r, how can we find the x and y, right? There is a issue, no problem, we'll find it, right? So how we'll find it, x square plus y square is equal to what, r square, right? X square plus y square is equal to what, r square. So and we will not use this one, right? This is r. X is equal to what, r cos theta, and y is equal to what, r sin theta, right? So suppose that this is a 37 degree, so tan and theta is equal to what, tan inverse y by x is equal to what, 37 degree. So from here you can write it, y by x is equal to what, tan of 37. So it will give you tan inverse of 37, right? So 37 will be like this, 3 by 4, yeah, tan of 37 is equal to what, y by x equal to what, 3 by 4, right? Y by x is equal to what, 3 by 4, or you can leave this, don't find this. So tan of 37 you only find it, tan of 37 is 3 by 4, and if we do form this type of triangle, and we will find this will be for 5, right? And now we can see that r cos theta, right, tan theta we know that, right? So we have to find cos theta is what, 4 by 5 b by h, and sin theta is what, 3 by 5. So x is equal to what, in this way, r times r is what, 6, r is what, r we know that, right, from this polar form r we know that definitely, right? So 6 into cos theta is what, cos theta is 4 by 5, and y is equal to similarly 6 into sin theta, that is 3 by 5, from this triangle, right? We found tan theta, we draw that this triangle with the help of tan theta, that is 4 by 3, and this ratio, right, tan theta is equal to 3 by 4, so 3 4 we drawn, and now we find the hypotenuse of this triangle, and further we used this one, that cos theta is equal to b by h and sin theta is equal to p by h, right? So x is equal to what,
छः चौक 24 बाई 5 एंड y इज इक्वल टू 18 बाई 5। नाउ वी फाउंड एवरीथिंग। सो अभी z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, राइट। x इक्वल टू 24 बाई 5, 24 बाई 5 यहाँ से हम लोग ले लिए, और y इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे हम लोग, है ना, प्लस i टाइम्स 18 बाई 5। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द, सो आपको सिंपली करना क्या है, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। अगर पोलर फॉर्म से कोऑर्डिनेट फॉर्म में आना है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में x इक्वल टू आर कॉस थीटा किसी तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है आप लोगों को, या फिर अगर टैन थीटा निकालने के बाद हम लोग यहाँ से इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, टैन थीटा इक्वल टू व्हाट, पी बाई बी, हाँ पी बाई बी, और यहाँ से बी बाई, फिर एच निकाल लेंगे हम लोग, एच निकाल के बी बाई एच, पी बाई एच, व्हाट एवर वी ऑलवेज डू, ऐसे करते रहेंगे, है ना। नाउ ये कन्वर्जन भी हो गया हम लोगों का, राइट। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिए, कन्वर्टिंग भी पढ़ लिए। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव फिनिश्ड, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू, दैट विल बी अ स्मॉलर लेक्चर, बहुत नहीं 20 मिनट का बनेगा, एंड आफ्टर देन दिस चैप्टर विल बी क्लोज, दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड।